स्टाइल के लिए, पत्थर के लिए गार्डनर पानी जाए, कहीं पे आपको जाना ये लॉक लगा दो ऐसे पानी चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको फिश एक्वेरियम टनल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ का नाम है आसमानी झूला, जिसको इंग्लिश में जेंट व्हील भी बोला जाता है। रिच डैड पुअर डैड ये मेरे पास भी भाई बुक है, ये है साइड जेंट व्हील। प्यारे प्यारे यार यहाँ पर आपको पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। कोलंबस राइड के लिए भाई इंजॉय ले सकते हो, कुछ ड्रैगन थीम है, आप देख सकते हो ये कॉर्नर में ड्रैगन बना हुआ है, पर आपको परफ्यूम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और इस मेले में आप 12D एंटरटेनमेंट शो के भी भाई एंजॉय ले सकते हो, यहाँ पर ये फूड कोर्ट में आप एंजॉय कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर ये ट्रैम्पलिन बना के रखा गया, ये है आईफिल टावर, तो देख सकते हो यार कितना प्यारा बना के रखा गया है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम एक्सप्लोर विद अमरीक। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में लगे मेले को घुमाने के लिए लेके आ रखा हूं। तो ये मेला कब से कब तक चलने वाला है, क्या टिकट के चार्जेस रहने वाले हैं, अगर आप अपने व्हीकल पर आते हो तो आप गाड़ी कहाँ लगा सकते हो, कितने पार्किंग चार्जेस होने वाले, सब कुछ डिटेल मिलेगी आपको भाई इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो चलते हैं मेले को एक्सप्लोर करने और सबको डिटेल बताते हैं इस मेले के रिलेटेड। इस मेले का जो नाम है वो है वसंत एवं होली महोत्सव। और बात की जाए भाई एड्रेस की, तो वेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है द्वारका सेक्टर 11 ग्राउंड नियर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और नियर जो मेट्रो स्टेशन है वो भी सेक्टर 11 का ही रहने वाला है। और बाकी ये जो मेला है 25 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक चलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आप मेन रोड से इधर से एंट्री लोगे तो यहीं पर आपका पार्किंग होगा, तो यहाँ पर आपको टू व्हीलर के चार्जेस देने होंगे 50 रुपीज और फोर व्हीलर के 100 रुपीज। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। तो दोस्तों, बात की जाए इस मेले के टाइमिंग की, तो भाई शाम को 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ये मेला चलने वाला है, तो आप इस टाइमिंग के बीच में आ सकते हो इस मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से आप एंट्री लेते हो तो सबसे पहले यार यहाँ पर ना आपको शार्क फिश देखने को मिलती है, तो ये कुछ आप सभी के लिए सेल्फी पॉइंट बना के रखा गया है, यहाँ से आप अपनी सेल्फी ले सकते हो। और इस मेले में जैसे कि यहाँ पर ड्रीमलैंड की तरफ से ना फिश एक्वेरियम भी भाई देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट फिश टनल होगी आप सभी के लिए, तो यहाँ पर आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो वो फिश टनल के। अभी जैसे हम मेन एंट्री गेट पर आ चुके हैं इस मेले के लिए, और अगर आपको फिश एक्वेरियम देखना है तो वहीं से आपका एंट्री और एग्जिट होगा। तो अभी चलो हम एंट्री ले लेते हैं इस मेले के लिए, तो आपको एक्सप्लोर कराते हैं। सो गाइस, जैसे अभी हमने यहाँ से एंट्री ली और लेफ्ट साइड यार यहाँ पर आपको सबसे पहले जो शॉप देखने को मिलती है वो पान वाली शॉप है, यहाँ पर आप अलग अलग फ्लेवर के पान के एंजॉय ले सकते हैं। और सामने ही आपका आईफिल टावर, वहाँ पर भी आपका सेल्फी पॉइंट है, तो वहाँ से आप जाके अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। बाकी वहाँ पर एक्टिविटीज है, यहाँ पर एक्टिविटीज है सारी, राइड्स वगैरह। और यहाँ पर एक ना स्टेज लगा के रखा गया है जहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हुआ करेगी 31 मार्च तक। ये है आईफिल टावर, तो देख सकते हो यार कितना प्यारा बना के रखा गया है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी फोटो आने वाली है, तो मैंने भी फोटोज क्लिक कराई, वो आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये देख सकते हो भाई कितना ऊंचा है, बहुत ही बढ़िया भाई, आप आइए और यहाँ पर अपनी सेल्फीज वगैरह क्लिक कराइए। छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर ये ट्रैम्पलिन बना के रखा गया है, ये छोटे बच्चों के लिए राइड्स हैं, आप देख सकते हो ये ट्रेन राइड हो गई, ये जिप्सी राइड हो गई, और साथ ही साथ वहाँ पर भी ट्रेन राइड है। तो भाई इन सभी के चार्जेस रहने वाले हैं 50-50 रुपये 10 मिनट के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर भी है भाई ये कुछ राइड्स और ये कुछ खाने पीने के रिलेटेड यहाँ पर शॉप्स है। यहाँ पर साउथ के फेमस छोले भटूरे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम इस तरफ देखें तो ये बॉम्बे भेल के भी भाई आप इंजॉय ले सकते हो फूड के मामले में, और साथ ही साथ यहाँ पर चुस्की कुछ ये चुस्की लेमन सोडा शिकंजी वगैरह की भाई एंजॉय ले सकते हो। बाकी इधर फास्ट फूड सेंटर है, जय फास्ट फूड सेंटर, जिसमें आपको तेज उत्तपम, पनीर उत्तपम, मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन, सांबर, वेज, मसाला डोसा, ऐसे कुछ आइटम खाने पीने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आपको अमेरिकन भुट्टा भी यानी स्वीट कॉर्न भी खाने पीने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ अलग ही डिशेज हैं, मॉकटेल वगैरह, बार वगैरह, तो आप ये भाई यहाँ पर ये फूड कोर्ट में आप एंजॉय कर सकते हो हर एक फूड के। सो गाइस, इस मेले में आके आप स्मोक बिस्किट के एंजॉय ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर ना जैसे ये ग्लासेस रखे हुए हैं, ये 50 रुपए पर ग्लास होगा, तो यहाँ पर आके आप एंजॉय ले सकते हो। और अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ ना, तो ये देखो कुछ ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके के यार, ये स्मोक निकलता है ये ग्लास के अंदर से, ये देखे तो ये कुछ होने वाले भाई, और ये ग्लास के अंदर नॉर्मल सा ये बिस्किट है, आप देख सकते हो ओरियो बिस्किट हो गया, ये कुछ हो गया, तो ये नॉर्मली बिस्किट ही है, और बिस्किट में से ये आपका स्मोक निकलेगा, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप आते हो तो भाई 50 रुपये में आप इसको एंजॉय ले सकते हो। तो ये स्मोक बिस्किट के नाम से ही शॉप होगी, तो ये देख सकते हो आप। छोटे बच्चों के लिए ना यहाँ पर एक ये हैंडल बोट है, तो आप देख सकते हो आपके छोटे बच्चे इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं, और 50 रुपये चार्जेस रहने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर ये दो बोट है ये हैंडल वाले हैं, ये देखो जैसे भी इन्होंने इनका टाइमिंग पूरा हो चुका है तो अब ये उतरने वाले हैं, तो आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं 50 रुपये में भाई 5 मिनट।
सो गाइस इस मेले में आप 12D एंटरटेनमेंट शो के भी भाई एंजॉय ले सकते हो। यहाँ से आप टिकट लेंगे 100 रुपीज़ की, और जिसमें आप ये हॉरर शो एंजॉय ले सकते हो, जंगल सफारी एंजॉय ले सकते हो, स्पेस वार्स, सोलर सिस्टम, अंडर वाटर जो फिश एक्वेरियम है उसके आप एंजॉय ले सकते हो। तो 100 रुपीज़ के चार्जेस रहने वाले हैं, आप यहाँ से ही अपने 100 रुपीज़ की टिकट लेंगे और यहीं से आप अपनी एंट्री लेके जा सकते हो। तो भाई बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ इस तरीके का भाई ये 12D एंटरटेनमेंट शो दिखता है। सो दोस्तों अब जो हम आपको ये राइड दिखा रहे हैं इसका नाम है आसमानी झूला, जिसको इंग्लिश में जेंट व्हील भी बोला जाता है। भाई ये राइड बहुत मजेदार होती है भाई, और इसके चार्जेस रहने वाले 100 रुपीज़ इस मेले में, और यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हो 100 रुपीज़ चार्जेस के साथ, यानी 100 रुपये चार्जेस के साथ। तो आप देख सकते हो ये कुछ फास्ट घूमता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगता है भाई। और देख सकते हो आप इसकी जो लाइटिंग देख रहे हो ना, कलरफुल और भी बढ़िया लग रही है। देख सकते हो बीच में ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, येलो हो गया। तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप आते हो ना दोस्तों के साथ, कपल आ रहे हो, तो बहुत एंजॉय कर सकते हो भाई इस राइड को। इस मेले में आप ये कोलंबस राइड की भी भाई एंजॉय ले सकते हो, कुछ ड्रैगन थीम है, आप देख सकते हो ये कॉर्नर में ड्रैगन बना हुआ है। तो इसके चार्जेस रहने वाले हैं 100 रुपीज़ कुछ 6 राउंड्स के। तो देख सकते हो भाई कितना ऊंचा गया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये 100 रुपीज़ चार्जेस रहने वाले हैं कोलंबस राइड के। ये देखो ये क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखना ये देखो, वहाँ से भी ऊपर गया, और यहाँ से देखना ये देखिए। तो अगर आप आते हो तो भाई इसको एंजॉय जरूर करना, 100 रुपीज़ चार्जेस रहने वाले हैं भाई इस राइड के। ये देखो कितना ऊपर गया, बहुत ही बढ़िया भाई, वाह। अब जो हम आपको राइड दिखाने वाले हैं ये है साइड जेंट व्हील। तो आप देख सकते हो भाई ये भी कुछ ऊपर की तरफ जाती है आपको, और ये थोड़ा सा ना साइड की तरह थोड़ा टर्न हुआ हुआ है, आप देख सकते हो जो व्हील है ना ये थोड़ा सा टर्न हुआ हुआ है। तो भाई इसके चार्जेस रहने वाले वैसे 100 रुपीज़। तो यहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हो, ये कोई टिकट काउंटर बना के रखा गया है, 100 रुपीज़ चार्जेस रहने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया भाई, फुल मज़ा आ जाता है अगर आप आते हो ना फैमिली के साथ, तो भाई फुल मज़े ले सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया, और लाइटिंग आप देखोगे ना कलरफुल है भाई चारों तरफ, तो और भी बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। तो अगर आप बुक्स लवर हो तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक ये स्टॉल है, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से, जैसे ये बुक्स हैं तो आप जो भी अपनी फेवरेट हो बुक्स आप ले सकते हो। जैसे कि ये है रिच डैड पुअर डैड, ये मेरे पास भी भाई बुक है, और यहाँ पर जैसे गुड वाइफ गुड लाइफ, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ से आप ये ले सकते हो ये भैया से। तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये देख सकते हो ये एलोन मस्क की तरफ से ये बुक, ये देख सकते हो। तो सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर अगर आप बुक्स लवर हैं। तो इससे हम आगे की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ पर ना एक स्टॉल है, यहाँ पर ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, यहाँ पर ना आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकाल के बैठ के ना यार इनके वॉइस सुनेंगे ना, वॉइस नोट्स है कुछ, तो आप सभी के लिए यार बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे यार कुछ शोर भरी इस ज़िंदगी में शांति कैसे पाएं, 7 बिलियन रीजंस फॉर पीस, तो यार कुछ ये पीस रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हो यार यहाँ पर आप आके आराम से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, और अपना पीस के रिलेटेड और शोर भरी ज़िंदगी से जैसे शांति पाने के लिए आप यहाँ पर सुन सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, मैंने तो सुना अभी 5 से 10 मिनट, तो बहुत बढ़िया लगा भाई। आप आइएगा जरूर और यहाँ पर सुनिएगा जरूर इनके वॉइस नोट्स। यहाँ पर ना आपको एक ये शॉप भी देखने को मिलती है, जो कि राइट साइड, ये यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है, ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स होंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये महक अतर एंड कार परफ्यूम, यहाँ पर आपको परफ्यूम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और अतर्स वगैरह। तो यहाँ पर जो ये ड्राई फ्रूट्स है जिसमें आपको आप देख सकते हो ये केसर एंड शिलाजीत, ये कुछ किशमिश बादाम आप देख सकते हो ये अलग अलग, और बाकी इनके साथ यहाँ पर प्राइजेस भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर आके ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ना जैसे ये कुछ परफ्यूम अतर वगैरह हैं, तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जी। तो यहाँ से आप आके ले सकते हो, ये कुछ महक अतर एंड कार परफ्यूम होने वाला है। इस मेले में आप आके अपने बॉडी पर टैटूज़ वगैरह भी अपना क्रिएट करवा सकते हो, यानी बनवा सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर अलग अलग प्राइजेस के साथ आप अपना टैटूज़ वगैरह बनवा सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया भाई। तो अगर आप आते हो तो जैसे ये ओम नमः शिवाय किसने बना रखा है अपने हाथों पर, और ये किसने फॉलोवर, किसने एक ओमकार बना रखा है, किसने अपनी मॉम का नाम लिखवा रखा है, तो बहुत ही बढ़िया भाई लग रहा है अगर आप आते हो तो अपना यहाँ पर टैटूज़ वगैरह अपना क्रिएट करा सकते हो। सो गाइस जो अभी हम आपको शॉप के रिलेटेड बताने वाले हैं, यहाँ पर ना आप अपने डेली यूसेज आइटम्स जो होते हैं वो परचेज़ कर सकते हो। जैसे आपको रोज यूजेज होने वाले, जैसे आप ये देख सकते हो किचन में आप बर्तन जब धोते हो तो आप कभी भी अपना ये टूटी को ऑन करते हो तो यार तेज़ पानी निकलता है, कभी धीरे निकलता है, तो आप उसको ना एक प्रेशराइज के थ्रू से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इस तरीके का ये आइटम होने वाला है, तो देख सकते हो भाई। और साथ ही साथ ये अगर आपके पास कोई व्हीकल हो और व्हीकल को कभी आप वॉश वगैरह करते हो तो अलग अलग तरीके से आप इसको वॉश वगैरह कर सकते हो। जैसे अभी देखो ये भाई अभी करके दिखा रहे हैं, ये का लोड वाला पानी लगाना, ये का पुट पेपर, गाड़ी की बॉडी, गाड़ी इंजन जस्ट निकालेगा। हाँ इसी साफ करने के लिए, टाइल के लिए, पत्थर के लिए गार्डनर पानी जाएगा, कहीं पे आपको जाना ये लॉक लगा दो ऐसे पानी चलता रहेगा, लॉक लगा दो ऐसे पानी बंद हो जाएगा, इजी है। लेफ्ट साइड से कैसे जरा कोई एक में कितना मोड़ होगा थोड़ा तो ही जुड़ेगा लेफ्ट राइट, बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपके पास जैसे ये मिरर को क्लीन करने के लिए हो गया भाई, गाड़ी की चीजें करके चीजें, टाइल वगैरह साफ करना, मिरर करना, ग्लास करना, विंडो करना, अलमीरा करना, घंटा में क्लीन करेगा।
ओह वाओ, बिल्कुल ही क्लीन। तो दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आप जितना आइटम देख रहे हो ये आपके डेली यूसेज में यूज़ होने वाले आइटम्स होंगे, तो यहाँ पर आके ना आप ये परचेज वगैरह कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, और ये बॉडी मसाजर हो गया आपका एक तरीके का, देख सकते हो ये बॉडी मसाजर हो गया। और ये देखिए, और ये देख सकते हैं ये कुछ, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके का आइटम आपको सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर आप आते हो ना तो परचेज कर सकते हो भाई। दोस्तों अब जो हम आपको ये शॉप पर लेके आए, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये अचार्स वगैरह यानी पिकल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अथाना, मिर्ची, लहसुन चटनी, कैर सांगरी ऐसे कुछ ही अचार होंगे, हनी आंवला मुरब्बा ऐसे कुछ, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सोया चिप्स, बनाना चिप्स, रैगी चिप्स, मसाला, कुछ इस तरीके के यहाँ पर आइटम जैसे लिखे हुए हैं वो भी आप ले सकते हो। और देख सकते हो कितने सारे यार यहाँ पर आपको आइटम देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ होम डिलीवरी अवेलेबल भी है भाई यहाँ पर। तो राजस्थानी पिकल हो गया, बीकानेरी पापड़, गुजराती खाखरा, रोस्टेड नमकीन, बहुत सारे आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज अब जो हम आपको शॉप पर लेके आए हैं, यहाँ पर ना आपको अपने वॉल्स के लिए जैसे ये पोस्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग जैसे डिज़ाइन के साथ ये आपको पोस्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हो यार मोटिवेशन के लिए, हार्ड टाइम गुड टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो कितने प्यारे प्यारे यार यहाँ पर आपको पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ये विद फ्रेम होंगे, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का फ्रेम के साथ होगा। और ये ओनली अगर आपको पोस्टर चाहिए तो ये हो गया, ये क्रिकेट लवर्स के लिए जैसे ये हो गए अलग अलग टाइप के पोस्टर्स, तो ये हमारे राम जी के रूप में भी देख सकते हो आपको ये पोस्टर दिख जाएगा, राधा कृष्ण भगवान के भी एनीमे मिल जाएंगे यहाँ पर आपको पोस्टर्स, बी हैप्पी यहाँ पर, मतलब सभी प्रकार के आपको पोस्टर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग प्राइजेस से, और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 70 रुपीज़ से है। अभी हम जिस शॉप पर लेके आए वहाँ पर आपको 20-20 रुपये में यार ये आइटम देखने को मिल जाएंगे, ये गर्ल्स के रिलेटेड ये आइटम्स वगैरह हो गए, आप देख सकते हो ये ज्वेलरी रिलेटेड हो गए, ये कुछ बालों में लगाने के लिए हो गए, ये हमारे बाथरूम के रिलेटेड ये देख सकते हो, बहुत सारे आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये की चैन वगैरह हो गए, ये नाइफ़ वगैरह हो गए देख सकते हो, ये कुछ बैग्स वगैरह हो गए बहुत ही बढ़िया, और देख सकते हो ये बच्चों के लिए अब ये खिलौने टाइप हो गए, ये पेंसिल वगैरह, कैंची वगैरह हो गई, ये पेन हो गए, तो देख सकते हो यार। और ये यहाँ तक देख सकते हो, ये भी डेली यूसेज में जो हमारे यूज़ होते हैं ना आइटम्स वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनके जो प्राइस होने वाले हैं वो 20-20 रुपये प्राइस होने वाले हैं, यहाँ पर पोस्टर भी लगा के रखा गया है, तो ले सकते हो भाई 20-20 रुपये में आप ये। अब जो आप ये शॉप देख रहे हो यहाँ पर आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिज़ाइंस में ये बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये गर्ल्स बैग्स हो गए, बॉयज़ बैग्स हो गए, तो देख सकते हो ये देखो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, तो आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, एक कुछ ये जलपरी टाइप बना के रखी गई, और ये देखिए आप डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, और यहाँ पर देखिए तो कुछ देसी लुक वाला कुछ स्टाइल के साथ ये बैग रेडी करके रखा गया है, ये देख सकते हो ये साइड बैग हो गए, कितना प्यारा लग रहा है, और आई थिंक ये हैंडमेड है, हाँ ये देखिए गुची का, बहुत ही बढ़िया, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर ये बैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कितना प्यारा डिज़ाइन के साथ रेडी करके रखा गया है, और ये कलरफुल टाइप में, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, और ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप ये अंकल जी से आप परचेज़ कर सकते हो, और ऑनलाइन पेमेंट भी आप इनको पे करके ले सकते हो भाई आइटम्स को। अब जो ये शॉप होने वाली है ये बच्चों के लिए भाई स्पेशल होने वाली है, यानी बच्चों के टॉयज़ खिलौने यहाँ पर आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके के ये बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हो गए, तो कितने सारे यार ये खिलौने आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों के लिए, और हर बच्चों का जैसे ये देखने को मिलेगा ना गन वाली, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, तो आपका बच्चे भी भाई ये बिल्कुल डिमांड करेगा लेने के लिए, और ये हेलीकॉप्टर देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। तो कुछ इस तरीके के ये कार हो गई, ट्रक्स हो गए, जेसीबी वगैरह, और ये देखिए सांप, किसी को डराना हो ना रात के समय आप किसी को अंधेरे में रख दो ऐसे डर जाए भाई, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ इस तरीके का आइटम है बहुत ही बढ़िया। आप सभी के लिए ना यहाँ पर एक ये 360 है भाई ये स्टेज, यहाँ पर ना आप अपने इंस्टाग्राम के रिलेटेड रील्स वगैरह बना सकते हो, तो भाई चार्जेस रहने वाले 50 रुपये, ये देख सकते हो यार कुछ इस तरीके से ये राउंड राउंड घूमता है, तो आप बीच में जैसे यहाँ पर खड़े होते हो ना तो कितना प्यारा लगता है ये देखिए, और साथ ही साथ वहाँ पर गाने प्ले करेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा ये देखिए ये, तो यहाँ पर भाई 50 रुपये में अपनी वीडियो बनवा सकते हो, बहुत ही बढ़िया भाई। सो गाइज अब जो हम आपको स्टॉल पर लेके आए हैं यहाँ पर आपको ना अपने किचन में जैसे यूज़ होने वाले बर्तन होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर जैसे ये ट्रेज वगैरह हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो ये सब्जी रखने के लिए कुछ
और देख सकते हो ये प्लेट्स हो गई अलग अलग कुछ खाने में, देख सकते हो कुछ ये 1 2 3 4 5 कुछ 5 खाने बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी इसमें रख के आप अपना रोटी वगैरह कुछ खा सकते हो। तो इन सभी के ना जैसे प्राइजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जैसे अभी हम बताएं आपको ये जो सेक्शन है इसका 150 रुपीज़ चार्जेस होगा, ये वन पीस आपका 150 रुपीज़ में जैसे लिखा हुआ है ना, सेल वन पीस 150 रुपीज़। ओके, तो कुछ इस तरीके का आप 150 रुपीज़ में वन पीस ले सकते हो। और यहाँ पर देखो ये अलग अलग टाइप की ट्रेज हैं, इसके चार्जेस होंगे 100 रुपीज़ वन पीस के, उसके भी 100 रुपीज़ वन पीस के। और साथ ही साथ वहाँ पर देखोगे ये कुछ अलग अलग टाइप के बॉक्सेस वगैरह हो गए कुछ, ये सारे ही आपको यहाँ पर ये मिलेंगे। तो यहाँ पर आके ना आप ये वगैरह ले सकते हो। सो दोस्तों मेला एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम वहाँ से एग्जिट करके कुछ इस तरफ आए हैं, तो यहाँ पर आपको फिश एक्वेरियम टनल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जैसे मछलियाँ होंगी आप उसके एंजॉय ले सकते हो। 100 रुपये के चार्जेस रहने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके का आपका ये रहने वाला आप देख सकते हो। यहाँ पर ये फोटोज वगैरह बनी हुई ना, तो यहीं से आपका एंट्री और एग्जिट होगा। तो वैसे ना ये आज तो बंद है, लेकिन आने वाले कुछ 1 या 2 दिनों में ये ओपन हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार अभी हमारा मोटिवेशन आपका एक लाइक करने से कमेंट करने से बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई हो जाता है कि आप एक हमारे को किसी भी चीज़ के लिए हमारे को बता रहे हो कि हमारी ये गलती है या हमने वो सही चीज़ बताया आपको। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो, और मिलते हैं आपको ऐसे कुछ बढ़िया से ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।